दो साल में ऐसा हो गया कि हमारी कोई अच्छे से बात नहीं होती, साथ में कुछ भी नहीं, मतलब कि कोई मतलब नहीं रहता बहुत, यहाँ तक कि अब तो हम साथ में भी नहीं रहते, अलग अलग रहने लगे। अच्छा अच्छा तो पहली बार कब उसने कहा था? पहली बार कब कहा था? 2 साल पहले ही हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिनके चलते मेरे पापा ने कुछ गलत कदम उठा लिए थे, तो उसकी वजह से उनके मतलब उनकी दीदी थी, दीदी के हस्बैंड खत्म हो गए थे, उन्होंने खुद जहर खा लिया था, तो उन सब के चलते उन सब का दोष मेरे पापा ने मतलब पापा के ऊपर डाल के मुझे भी बोलते कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और शादी किया उसके बावजूद से भी बोलते छोड़ना है, तो ऐसा थोड़ी होता है। मैं कुछ भी समझाती हूँ, कुछ भी बोलूँ कि ऐसा नहीं, सही भी कुछ बोलते तो गलत ही लगता है, लगता है कि दुश्मनी हूँ मैं, कोई बात समझनी ही नहीं है, बस एक ही रहता है कि नहीं मुझे सही है, नहीं मुझे नहीं रहना। कोई बात हुई थी आप दोनों की? नहीं हमारी कोई बात नहीं, बस एक यही प्रॉब्लम है कि उनके जीतू खत्म हो गए इन्हीं सब की वजह से वो ऐसा करता है, और बात हमारी कोई नहीं है, आज भी हमारी बात कुछ भी नहीं है, बस फैमिली के चलते हम अलग हो रहे हैं, फैमिली वाले बोलते हैं क्योंकि पहले तो सब ठीक था, बट जब उनके जीजू खत्म हो गए तो उनके फैमिली वालों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं हम नहीं रहेंगे, नहीं रहना साथ में, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो अभी क्या चाहते हो आप? अभी मैं नहीं चाहती ना छोड़ना, क्योंकि शादी कोई मजाक नहीं है ना, जो किया तभी भी कोई भी छोड़ दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ये सब नहीं चाहती, और वो भी ऐसे है नहीं। अच्छा पर प्रॉब्लम बस इतने कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे ना, इसलिए कोई बात माननी नहीं है, अगर वो कुछ भी बोलती है तो ऐसा नहीं ये है, सच भी बोलो तुझे लगता नहीं झूठ है सही नहीं है, वो मतलब बिलीव ही नहीं करते कोई बात का। अच्छा अच्छा कितना भी रो मरो पटको कुछ भी करो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो दोनों की, फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके जी। ओम नमः शिवाय। आजकल ऐसे बड़े केस आ रहे हैं जिनमें कि दंपतियां तलाक की मांग कर रही हैं, तो जहां तक देखा जाए हिंदू धर्म में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। एक बार शादी होगी इसका मतलब आपको जीवन भर के लिए उसके साथ रहना होगा, लेकिन फिर भी कुछ नासमझ अपनी ज़िद्द के चलते ऐसा करते हैं। तो अगर आपके पति भी आपसे डाइवोर्स की मांग कर रहे हैं, मनमुटाव हो घर में, घर क्लेश रहता हो, तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिए, इसके बाद जो है आपके पति आपको छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। ये इतना सटीक प्रोसेस है कि जिसने लाखों घर बचा लिए। अगर आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की दिक्कतें परेशानियां आ रही हों तो ये छोटा सा सरल उपाय कीजिएगा, और यकीन मानिए हफ्ते भीतर आपको इसके अंदर चेंजेस दिख जाएंगे। आपके पति जो है उनका आकर्षण इतना तीव्र हो जाएगा आपके प्रति कि वो और कहीं देखेंगे ही नहीं। तो आपको बस करना इतना है कि मासिक का जो पहला दिन होता है उसका थोड़ा सा खून आपको अपने पति की फ़ोटो पर लगाना है, और एक कपड़ा जो मासिक का होता है उसको उसमें लपेट देना है। इसको एक हांडी में बंद करके आपको चौराहे पर रख कर आ जाना है। इसके बाद हफ्ते भीतर आपके पति आप ही के गुलाम बन के रह जाएंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, चाहे पत्थर दिल कितना ही आदमी हो वो भी यहाँ पर पिघलेगा। आपको बस ये प्रोसेस करना है पहले दिन। किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। धन्यवाद।